मध्य प्रदेश पहुंची भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होने जा रही हैं, जिसके चलते अब प्रियंका गांधी भाजपा के निशाने पर आ गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उमंग सिंघार मामले को लेकर प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। देश के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने बुधवार को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रवेश किया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नासिर इस्लाम को संगठन ने आगर मालवा से राजस्थान बॉर्डर तक समन्वयक बनाया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आज आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा ने प्रवेश किया और ये देखने में आया कि मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से स्वागत किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने, वो एक अपने आप में एक इतिहास हो गया। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है राहुल जी के प्रति और इस भारत जोड़ो यात्रा के प्रति, वो ज़रूर यहाँ पे उसका व्याख्यान करना चाहूँगा। हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम जनजीवन, आम लोगों के अंदर, हर वर्ग के लोगों के अंदर, हर समाज से आने वाले लोगों के अंदर, मतलब जो एक उद्देश्य था भारत जोड़ो यात्रा का, वो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं पूरा होता नज़र आता है। और बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी का मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश एक प्रकार से जो पिछले 20-22 वर्षों में एक बीमारू राज्य की तरह शिवराज जी ने उसका हशर कर दिया है, आज कर्जे का भार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता राहुल जी को बहुत ही एक उस नज़र से देख रही है, कैसे हमारे मध्य प्रदेश का के अंदर विकास आ जाए, कैसे मध्य प्रदेश के दिन बदल जाए, मध्य प्रदेश के अंदर खुशहाली आ जाए, मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार मिल जाए, मध्य प्रदेश के अंदर नए नए उपकरण लगें जिससे कि रोज़गार पैदा हों। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अंदर जो बिजली के नाम पर लूट है, जो एक दहशत जैसा माहौल फैला दिया गया है, सरकार जो है ज़बरदस्ती लोगों के साथ जो जुल्म कर रही है, उस सब के ख़िलाफ़ जो है पब्लिक इकट्ठा होकर एक उत्साहपूर्वक, मैं तो कहता हूँ ये 13 दिन किसी, आपको ऐसा प्रतीत और महसूस होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ये 13 दिन किसी उत्साह और किसी त्यौहार की तरह मनाए जाएंगे। और उसी के अंदर जब विदाई समारोह होगा तो उसको भी हम आज के जैसे ही असमरणीय प्रोग्राम उसको ऑर्गेनाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं आपस के अंदर। तो ये है इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो जन समर्थन मिल रहा है राहुल जी की यात्रा को, उससे इस देश की जड़ें मजबूत हो रही हैं। जो भाईचारा और एकता का जो एक संदेश है, जो नफरत को हटाना, मोहब्बत से भारत को जोड़ना, इसके मुख्य उद्देश्यों का कहीं ना कहीं आपूर्ति पूर्ण रूप से नज़र आती है। संपूर्ण देश एक लेटर वायरल होता है जिसमें राहुल गांधी जी को खतरा है अपनी जान का, कुछ लोगों ने उस लेटर को वायरल किया, उसमें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और बोला कि ये राहुल गांधी जी सुरक्षित रहेंगे मध्य प्रदेश में अगर आएंगे, तो इसमें क्या आप कहेंगे? देखिए, जिससे देश के लोगों की आस जुड़ी हो, जिससे देश के लोगों का सम्मान जुड़ा हो, जिसके प्रति देश के लोगों के अंदर इतना आदर और सम्मान और प्रेम हो, उस व्यक्ति की अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते ठीक से, तो ये एक आपके ऊपर ही सवाल या चिन्ह है। और मध्य प्रदेश के हालात का इससे, और मध्य प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, कैसी जंगल राज की एक व्यवस्था सी है, तो वो उससे प्रतीत होता है। और जिस प्रकार राहुल जी लगातार सड़कों के ऊपर संघर्ष सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देश के अंदर से नफरत हटे और लोग मोहब्बत से, प्रेम से, एक भाईचारे से, एक गंगो जमनी तहजीब से, इस मुल्क के अंदर जो इतिहास है जो उसको ख़राब कर दिया गया है पिछले लगातार 6-7-8 वर्षों से, उस सबको ख़त्म करने के लिए जो एक बीड़ा उठाया है, उसके अंदर निश्चित रूप से आम जन ही उसको कामयाब कर रहे हैं। और रही सरकार की बात, तो सरकार तो अपने हितों की सरकार है और लूट खसोट की, और ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये बनाई हुई सरकार है, तिकड़म की सरकार है, जुगाड़ की सरकार है। तो ऐसी सरकारें वजूद में नहीं रह पाती। और चेतावनी है राहुल जी के प्रति, जो सुरक्षा का माहौल इस यात्रा को दिया जाए, क्यों, जब हम लोगों को जोड़ने निकल रहे हैं, उनके दिल जोड़ने निकल रहे हों, और जब भी अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते।
वहीं आगामी दिनों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी के मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को लेकर जमकर निशाना साधा। तो देखा कि प्रियंका गांधी जी बेटी है तो लड़ेगी, ये अभियान दे रही थी। अरे प्रियंका जी, ये मध्य प्रदेश चिल्ला चिल्ला करके पूछ रहा है, आपके उमंग सिंगार कांग्रेस के विधायक, मैं गुजरात के चुनाव में हूं, वो गुजरात के चुनाव के सह प्रभारी हैं, उनके ऊपर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री ने उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, बलात्कार की एफआईआर हुई है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इससे पहले एक बहन की हत्या कर दी गई, उसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया, वो बहन भी न्याय की गुहार कर रही है, उसके परिवार के लोग। तो क्या प्रियंका गांधी जी उमंग सिंगार को जेल भेज करके कांग्रेस से हटा करके, क्या इस बेटी बचाने, आपने जो कहा कि बेटी है तो लड़ सकती है, इसका जवाब आप देंगे? मध्य प्रदेश पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश की बेटी आपसे पूछना चाहती है, मातृशक्ति आपसे पूछ रही है, केवल आप नारा देती हैं? और मध्य प्रदेश के अंदर आप किस हैसियत से, और मध्य प्रदेश के अंदर आप नैतिक मूल्यों को अगर आप विश्वास रखते हैं तो ये मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है, उमंग सिंगार के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगी, ये मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।